वसीम राजपूरी साहब को। दोस्तों मैं यहाँ आज की इस महफिल में हमारे एक मेहमान हैं नदीम भाई मुस्लिम लीग, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये महफिल अपने आखिरी पायदान पर आ चुकी है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि वाहिद अंसारी साहब को सुनने से कबल, जिनकी बड़ी मेहनतें रही हैं, इकबाल साहिल साहब से भी चंद अशआर हम समाप्त करें। मैं इन मित्रों के साथ उन्हें दावत देता हूँ, जो बात जहाँ से वसीम राजपूरी साहब ने बात को अपने खत्म किया के मत, 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 शायर कहता है इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती। इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती। सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। एक मरतबा आपके अपने मकामी इकबाल साहिल और हमारे जावेद अशाती, इन लोगों के लिए जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए इकबाल साहिल। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वक्त बहुत कलील है, मैं ज्यादा तमहीद तो नहीं बांधना चाहता। ये हमारे लिए एजाज की बात है कि ताई यहाँ मौजूद है और हेल्पलाइन के लोग भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हाजी रम्मू सेठ और उनके रफ्काकार। दोस्तों मैं बिला किसी तमहीद के मेरे चाचा डॉक्टर मतीन साहब, इमरान अशरफी साहब, असलम भाई के हवाले से मैं पेश करता हूँ एक मतलब एक शेर, देखिएगा जरोज भाई, कि डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, सहारे छीन लेता है, समंदर में सफीनों से किनारे छीन लेता है। क्या बात है भाई। डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, वाह, समंदर में सफीनों से किनारे छीन लेता है, क्या बात, वही माबूद बरहक है, वो जो चाहे तो फिर साहिल अता करता है, आंखें और नजारे छीन लेता है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नजारे छीन लेता है। दोस्तों जावेद इशाती और मैं एक महीने से मुशायरे की तैयारी कर रहे थे, जानते हैं मेरे इलाके के शोरा इकराम और इमरान भाई वगैरह सब, अपोजिशन भी बहुत किया गया बर्मा के नाम पर। मैं बोलना चाहता हूँ इमरान भाई, क्या बात, बर्मा के लिए हम इतना कर सकते हैं कि हम दुआए खैर कर सकते हैं, हम उनके दुख में शरीक है क्योंकि वो हमारे कलमा शरीक भाई है। क्या बात, मैं एक बात बताऊं इरशाद भाई, जो कौम आवाज नहीं उठाती उस कौम को अपनी लाशें उठानी पड़ती है। बेशक बेशक, सच्ची बात। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ, मुलायजा करें कि खून में डूबी हुई, उसको चेंज कर दिया, सुनो, खून में डूबी हुई शाम से डर लगता है, क्या बात है, खून में डूबी हुई शाम से डर लगता है, अब तलक मंजरे आसाम से डर लगता है, क्या बात है, देखकर बच्चों की मासूम सी लाशें साहिल, अब तो बर्मा के फकत नाम से डर लगता है, क्या बात है, वाह, देखकर बच्चों की मासूम सी लाशें साहिल, अब तो बर्मा के फकत नाम से डर लगता है। और एक मुख्तसर सी नज़्म, फिर इजाजत, वक्त बहुत कलील है, मैं पेश करता हूँ कि एक मंजर मेरी निगाहों ने इस तरह खौफनाक देखा है, एक मंजर मेरी निगाहों ने इस तरह खौफनाक देखा है, नंगे पांव सड़क किनारे पर मांगता था, अजीब बच्चा था, धूल बालों में आंख में आंसू, वो भी क्या बदनसीब बच्चा था, फूल बर्मा के इतने सस्ते हैं, बच्चे खाने को भी तरसते हैं, देखकर रूह भी लरसती है, भूख आंखों से जब झलकती है, नाम शोहरत के वास्ते अब तो, यानी दौलत के वास्ते अब तो, लोग लाशों पे चढ़ते जाते हैं, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हैं, सिर्फ डाली की शक के घेरे में, सिर्फ डाली की शक के घेरे में, जब जब सजा दी मुस्लिम है ये बताया गया है दुनिया को, सिर्फ आतंकवादी मुस्लिम है, ये सियासत के खेल होते हैं, हम समझने में फेल होते हैं, खंजर उतार देते हैं, छोटे बच्चों को मार देते हैं। जिंदाबाद भाई सदर साहब, साजिद शेर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह बहुत चले, क्या ऐसे खंजर उतार देते हैं, छोटे बच्चों को मार देते हैं, पास इंसानियत कब भूली है, पास इंसानियत कब भूली है, बेहया बेरहम हुकूमत है, कत्ल बच्चों का कर रहे हैं जो, उनकी मर्दानगी पे लानत है, सब्र पैमाने से अगर छलका बन के लावा निकल भी सकता है, जुल्म करते हो पर सुनो एक दिन, वक्त करवट बदल भी सकता है, बात है, जो टूटेगा न तेरा नाम ना निशा होगा, आग नफरत की और पहली तो सारा बर्मा धुआं धुआं होगा। जिंदाबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए दोस्तों, चूंकि इकबाल साहिल साहब ने शेर देखिए।